नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज़ के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ जिला महिला चिकित्सालय में नर्सिंग कॉलेज के तृतीय वर्ष और चतुर्थ वर्ष के छात्र छात्राओं की ट्रेनिंग के दौरान उनको संचारी रोग से बचाव को लेकर लोगों को जागरूक करने का भी टास्क दिया गया है। इसी क्रम में शनिवार को आजमगढ़ के दुर्गा जी नर्सिंग कॉलेज के तृतीय वर्ष के बच्चों को, जो कि जिला महिला चिकित्सालय में प्रशिक्षण को पहुंचे थे, उनको जागरूक करने के बारे में बताया गया और विभिन्न टीमों का गठन कर मच्छर जनित बीमारियों के साथ इस मौसम में होने वाली अन्य बीमारियों के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से पूरी जानकारी करने और चार्ट बनाने समेत अन्य माध्यम से जागरूक करने के लिए कहा गया। जिला महिला चिकित्सालय के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर विनय सिंह यादव ने कहा कि यहां पर विभिन्न कॉलेजों के नर्सिंग बच्चे आते हैं। तृतीय वर्ष के बच्चों को थोड़ी जानकारी हो जाती है, इसलिए उनको संचारी रोग नियंत्रण अभियान के बारे में बताया जाता है और मच्छर जनित बीमारियों के साथ ही डिसेंट्री, डायरिया समेत अन्य बीमारियों की जानकारी देकर लोगों को जागरूक करने की शुरुआत की जा रही है। यह क्रम अब आगे जारी रहेगा। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। जैसा कि हम सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि ये सीजन संचारी रोगों के फैलने का, और जिसमें डेंगू, मलेरिया, वेक्टर बॉर्न जिसको कहते हैं, मच्छर से होने वाली बीमारियां बहुत ज़्यादा होती हैं। और भी डिजीज होती हैं, डायरिया, डिसेंट्री भी होती है। हमारे यहाँ ढेर सारे कॉलेज स्कूल के बच्चे ट्रेनिंग के लिए आते हैं, तो मैंने उनको टास्क दे रखा ग्रुप पे बना के कि एक ग्रुप एक बीमारी के संबंध में अध्ययन करेगा, चार्ट बनाएगा और जहाँ जहाँ लोग इकट्ठा हैं उनके बीच में जाके उस डिजीज के विषय में बताएगा, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस विषय बताएगा। और ये अनवरत हम चलाएंगे। करीब करीब हम मान के चलते हैं कि हफ्ते में 3 दिन का हमने रखा है, और अलग अलग कॉलेजों को, जैसे आज दुर्गा जी नर्सिंग कॉलेज का दिया, कल कोई और कॉलेज होगा, परसों कोई और कॉलेज होगा, और देते हैं थर्ड ईयर के बच्चों को जिनके पास थोड़ी जानकारी हो जाती है, और उससे पहले हम एक उनको ब्रीफ करते हैं, उनको पढ़ाते हैं, उनकी नॉलेज लेते हैं, एक टीम तरह तैयार करते हैं जो परफेक्शन हो, ताकि वो चीज़ें जाए तो सही जाए। तो उसी का एक शुरुआत है और आप लोगों ने देखा कि एक ठीक पहल है, पब्लिक के बीच में जागरूकता जाएगी और ये आप लोगों का सहयोग भी मैं चाहूँगा कि इस तरह कार्यक्रम और भी जगह बच्चे यदि जहाँ भी स्कूल में हैं, नर्सिंग स्कूल के हैं, मेडिकल कॉलेज के हैं, इवन जो बच्चे आपको वो चल रहे हैं इस समय, तो देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है, तो उसमें सेवा करने बच्चे जाएंगे, जिसमें कि NSS के बच्चे और NCC के बच्चे हैं, उनसे भी मैं अपील करूंगा कि इस तरह की बीमारियों के विषय में लोगों को जागरूक करने के लिए चार्ट है, जो भी उनके पास टूल हो लेकर जाएँ, कॉलेजों में जाएँ, स्कूलों में जाएँ, कमेटी में जाएँ, ताकि ये जानलेवा बीमारी, अब देख रहे हैं हर साल डेंगू से ठीक ठाक मौतें हो जा रही हैं और मौत दही भी होती है, तो आदमी बिल्कुल बिल्कुल टूट सा जाता है, लंबे टाइम तक उसकी बीमारी उसको काम नहीं करने देती, उसकी प्रोडक्टिविटी घटती है। मलेरिया भी उसी तरह की बीमारी है, फाइलेरिया एक देख रही है, हम मास्क में ड्रग खिला रहे हैं, तो जितनी भी चिकनगुनिया है, जितनी भी इस तरह की बीमारियाँ, हम छोटा से अवेयरनेस करें, मच्छरों से सावधान हो जाएं, ये कर लें, मच्छरदानी लगाएं, जो भी चीज़ें हैं आम पब्लिक को बार बार यदि हम कहेंगे, हैमर करेंगे कि आप ये करना है, ये नहीं करना, ये करना है, नहीं करना, तो बहुत बड़ा बदलाव है। यही काम की शुरुआत हमने आज याद किया। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।